लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसे कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे कुछ इस तरह का वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, अगर आप भी इस तरह का वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालोगे तो आपका भी वीडियो वायरल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाए कि इस तरह के वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले और भी ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल वीडियो देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो इस तरह के वीडियो एडिटिंग करने के लिए चाहिए आपको VN ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको VN ऐप को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पे आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको उस वीडियो को ओपन कर लेना है जिसको हमने इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने एक मेडफायर और एक इंस्टाग्राम साउंड की लिंक दी हुई है, तो आप मेडफायर वाले लिंक पर जब टैप करोगे तो वहाँ से आप इजीली इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर हम वीडियो को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो वीडियो ओपन करने के बाद आपको इस वीडियो को सबसे पहले स्प्लिट करना होगा, तो आपको वीडियो पे टैप करना है और टैप करने के बाद आपको यहाँ पे 5.29 से इसको स्प्लिट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 5.29। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर लेंगे और उसके बाद आपको ये आगे वाला वीडियो उसको आपको डिलीट कर लेना है और इसको भी हम डिलीट कर लेंगे। तो वीडियो स्प्लिट करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पे आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे फोटोज में जाना है और यहाँ पे आपको टोटल 4 इमेजेस चाहिए, तो हम इनको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे इमेजेस यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे मैं जो इसका टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूँ उससे देख के आपको इस इमेज को यहाँ पे स्प्लिट कर लेना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले इमेज पे आ जाने हो और इस इमेज को आपको यहाँ पे 8.21 से इसको स्प्लिट कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा इमेज कुछ थोड़ा, तो यहाँ पे हमारा इमेज छोटा लग रहा है तो इसको हम पहले इसको बड़ा कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे 8.21 से स्प्लिट करना, तो यहाँ पे आएगा और इसको यहाँ पे स्प्लिट कर लेना है और हम आगे वाले इमेज को यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। तो आपको इस तरह से सभी इमेज को इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से स्प्लिट कर लेना होगा जैसे कि मैंने किया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आगे आ जाना है और ये जो म्यूजिक वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पे आपको टैप करना होगा, म्यूजिक पे जाना है और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाना होगा और हमने जिस वीडियो को डाउनलोड किया था उस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे डन करना होगा और वापस आपको न्यू एल्बम पे टैप करना है और आपको वापस न्यू एल्बम पे जाना है। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑडियो जो दिख रहा है वो हमारे वीडियो का साउंड है, तो उसका आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना होगा और इसको हम डन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ऑडियो यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको जहाँ पे ये हमारा साउंड ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपको इसको स्प्लिट कर लेना होगा और हम इस इमेज को यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे एनिमेशन लगाएंगे, उसके लिए आपको ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पर आपको टैप करना होगा और यहाँ पर जो ब्लैक वाला एनिमेशन है वहाँ पर आपको टैप करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा वीडियो कितना अमेजिंग दिख रहा है। बाद आपको जो सेकंड वाला इमेजेस वहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है वहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको ब्लर वाला एनिमेशन लगा देना है। तो आपको इस तरह से आगे भी प्लस वाला आइकन पे यहाँ पे टैप करना है और यहाँ ब्लर पे जाना है, टैप ब्लर। तो आपको इस तरह से ये, तो आपको इस तरह से जो लास्ट वाले इमेज है ब्लर वाला एनिमेशन लगा देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले इमेज पे टैप करना है और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे जो जूम वाला जूम आउट वाला एनिमेशन दिख रहा है वहाँ पे आपको टैप करना होगा और आपको इसे जितना बड़ा हो सके उतना आपको कर लेना है। तो आपको इस तरह से सभी इमेज पे इस तरह का एफेक्ट जूम आउट वाला एफेक्ट यहाँ पे आपको लगा देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज पे आ जाना है और आपको इस सभी इमेज को यहाँ पे बड़ा कर लेना है। तो आपको इमेज पे टैप करना है और यहाँ पे आपको जो फिल वाला आइकन दिख रहा है वहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे हमारा इमेज यहाँ पे फुल स्क्रीन में अपलोड हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो जो इमेज आपका बड़ा नहीं उसका आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है। तो आपको ये सब एनिमेशन लगाने के बाद आपको वापस से इन सभी इमेज को ये जो टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से आपको वापस से देख लेना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे जो प्लस वाला एनिमेशन और यहाँ पे एफएक्स वाला एनिमेशन लगाओगे तो इसका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो आपको फिर से एक बार देख लेना है। तो मैं इसको देख लेता हूँ। और यहाँ पे हमारा टाइम ड्यूरेशन था सेकंड वाला इमेज का 8.21। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे हिल चुका है, तो हम इसको यहाँ पे वापस से कर लेंगे, इसको हम बड़ा कर लेंगे, 8.81 कर लेंगे। तो यहाँ पे इधर इसको स्टेप करेंगे और यहाँ पे इसको स्लाइड कर लेना है। हाँ, तो ये हो चुका। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड वाला इमेज पे आ जाना है, और यहाँ पे हमारा टाइम ड्यूरेशन था 11.07। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि हमारा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे हिल चुका। तो इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पे हमें कर लेना है 11.07। तो इसको हम स्प्लिट कर लेंगे और हमें इसको डिलीट कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे आगे वाले इमेज पे आ जाना है, और यहाँ पे हमारा थर्ड वाला इमेज था 30.23। तो यहाँ पे आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमारा ये भी इमेज यहाँ पे हिल चुका है, तो यहाँ पे हम वापस कर लेंगे 30.23। हाँ, तो यहाँ पे अब हमारा ये हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे वाले इमेज पे आ जाना है, और इसको हम यहाँ पे पढ़ा कर लेंगे। और ये करने के बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक पे जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से हम इसको स्पीड कर लेंगे, और यहाँ पे इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमने यहाँ पे स्पीड किया था तो यहाँ पर से ब्लर वाला एनिमेशन यहाँ पे हट चुका है, तो हम इसको यहाँ पे वापस से लगा देंगे। तो आपको प्लस बजाना है और यहाँ पे इसको टैप करके यहाँ पे डन कर लेना है। तो जब आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे वापस से इसका ड्यूरेशन हिल जाएगा, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसका ड्यूरेशन था 30.23। तो यहाँ पे आपको स्पीड नहीं करना है, यहाँ पे आपको वीडियो इमेज पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको स्लाइड करके यहाँ पे इमेज को 30.23 कर लेना है। तो अब हमारा वीडियो यहाँ पे परफेक्ट एडिट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो किस तरह से एडिट हुआ है। तो आप इस तरह से एकदम इजी स्टेप में इस तरह का वीडियो बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले और भी वीडियो को देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।